हेलो एंड वेलकम आदाब, रिजवान खान हूँ मैं आपके साथ। मैं आप देख रहे हैं राइट नाउ। मेरे साथ आज जो शख्सियत है उनको वैसे आई डोंट थिंक कि किसी तारीफ के वो मोहताज हैं या कुछ मुझे कहना चाहिए उनकी तारीफ में। वो कहते हैं ना, जो इंसान खुद अपनी मंजिल ढूंढते हैं तो उनमें से कहा जाता है। और इन्होंने पहाड़ी कल्चर के लिए जो काम किया, शायद ही हमारे जो हिता है जम्मू और कश्मीर, इसमें आई डोंट थिंक किसी ने इतना काम किया होगा। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ सैयद तारिक परदेसी जी की। सर खुश आमदीद, वेलकम टू माई चैनल। तो सर आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैं बयान नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपकी इनका यूट्यूब चैनल पर अगर आप देखेंगे या इनकी वीडियोस बहुत सारी अपलोडेड हैं, इनकी तारीख में अगर देखेंगे बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे आर्टिकल्स, अगर पूरी रिसर्च कर रहे हैं तो आई थिंक आपको कम से कम 6 मंथ चाहिए इनकी रिसर्च के लिए। तो सर आपकी ज़िंदगी का ये जो सफ़र रहा है, जिस तरह आपने कल्चर पे हम बाद बात करेंगे, पहले थोड़ी पर्सनल लाइफ में बात करते हैं जी। तो सर पर्सनल लाइफ में आपकी बर्थ कहाँ हुआ सर? बेसिकली बर्थ ऑफ प्लेस मैं कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर कहते हैं उसे, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, तहसील करना, यानी करना की धरती पे मैं पैदा हुआ। माशाल्लाह जी। तो आपकी स्कूलिंग वाला स्कूलिंग हुई या आपकी जो जितनी भी परवरिश थी वो करना में ही हुई है? जी, मेरी जो है तालीम पूरी सब करना में ही हुई है जी। तो मैं वहाँ ही पला बड़ा, उस स्कूली दौरान ही मेरी ज़्यादा ख्वाहिश जो थी वो पढ़ने से ज़्यादा मेरी म्यूज़िकल जो लाइफ है इसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था जी। तो सर आपने जो ये म्यूज़िकल लाइफ जो आपने स्टार्ट की थी, ये स्कूल से ही की थी आपने? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यानी प्राइमरी डिपार्टमेंट में था मैं। अच्छा, तब की बात है, मतलब छोटे छोटे हुआ करते थे जी। तो हमारे वहाँ क्या होता है कश्मीर में, फ्राइडे को लॉन्ग रेसेस होती है। ओके। या हाफ डे होता था या लॉन्ग रेसेस होती है। लॉन्ग रेसेस में क्या है कि वो कोई पीरियड्स वगैरह नहीं होंगे इसके ट्यूशन के, ऑनली क्या होता है कि कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होते हैं जी, जी जी। तो मैं जब स्कूल जाता था तो मेरे तो वहाँ स्कूल में पूरा लॉन्ग रेसेस ही होता था, और उसमें क्या है कि वो लोग गाना बजाना करना, हारमोनियम वगैरह इंस्ट्रूमेंट तो ये मैंने बाद में सीखे जी। मेरी आवाज थी जी जी। मैं बहुत छोटा बचपन से ही था जब मैं गाने बजाने में शौक रखता था। मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनना, वो मेरे आइडियल हैं उर्दू नगमों में, उनकी जो मेलोडी है वो मुझे बहुत पसंद है जी। और इसी तरह से पहाड़ी में फिर कुछ थोड़ा सा मैं होशियार हुआ तो मैंने सुना कि पहाड़ी में अब्दुल रशीद कुरैशी साहब करना के बहुत अच्छे जाने माने एक गुलकार हैं, जिन्होंने पहाड़ी की तारीख को उजागर किया था उस जमाने में 1970-71 में, के पहाड़ी कल्चर क्या होता है, उनके गाने मुझे बहुत अच्छे लगे। तो वजह से मैं सुनता गया, और मतलब गाने का ये तो नहीं था कि मैं सिंगर बन सकता हूँ या कहीं आगे जा सकता हूँ या लोग मुझे इतना पसंद कर सकते हैं, ये तो मेरे लिए एक अजूबा है। और अल्लाह का शुक्र है, उसकी देन है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का। तो वो चीज़ें सुन के उसके बाद फिर एक अताउल्लाह का दौर आया, उसको सुना, तो फिर उसके गाने तो थोड़ा इजी भी थे जी। तो फिर उनके गाने सुन के तो हम लोगों ने ऐसे स्टार्ट किया स्कूल टाइम में, पिकनिक में वगैरह वगैरह करते करते, फिर अपने गांव में थोड़ा सा ये है किसी की शादी हो बरादरी में थोड़ा जी गाओ जी, ये लड़का गाता है वगैरह ऐसे करके। तो फिर उससे निकल के फिर थोड़ा सा क्या हुआ कि ऐसे ही हमारा जो तहसील हेडक्वार्टर है उसमें जो सिटी छोटी सी सिटी होती है उसमें कैसेट्स वगैरह बनाने वाले लोग थे, कुछ कैसेट्स ऐसे ना टेप रिकॉर्ड पे जी जी। रिकॉर्ड करके उसको डेवलप करके भेजना उनका ये काम था, वो हमारे पास भी काफी पहुंची है उस वक्त। तो उस वक्त वो किसी ने ऐसे मुझे पकड़ लिया ही था, वैसे तो नाम मुझे खुद को पता नहीं है कि मैंने कब अपना नाम परदेसी डाला था, वो छोटा सा था, इसका भी एक राज है परदेसी का, ये भी आपको बताऊंगा जी जी। फिलहाल उधर की तरफ चलो कि वो कैसेट रिकॉर्डिंग के लिए उन लोगों ने मुझे पकड़ा, और एक दो कैसेट मेरी कुछ रिकॉर्ड की, तो वो अपने पूरे करना के इलाके में मशहूर हो गई। सिर्फ जब वहाँ से मशहूर हुआ तो फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक दो कंपनियाँ थी कैसेटों की, उन्होंने मुझे ढूंढना स्टार्ट किया। ओके। उन्होंने ढूंढा तो उन्होंने रिकॉर्ड किया, जब उन्होंने रिकॉर्ड किया तो प्रोविंस लेवल पे मेरी एक जो है चहल पहल मची, एक नाम हुआ। तो फिर प्रोविंस लेवल पे श्रीनगर में एक अच्छी कंपनियाँ थी 2-3 कैसेटों की, उन लोगों के पास मुझे किसी एक ने भेजा कैसेट वाले ने कि आप उधर जाएं, उनको फोन किया जी आप इसको रिकॉर्ड करें, ये बड़ा अच्छा लड़का गाता है। तो करते करते फिर अल्लाह का शुक्र है कि आप
स्टेट क्या, हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान से बाहर भी लोग सुनते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि लोग हिंदुस्तान से बाहर भी, जैसे सऊदी अरब में हमें सुना जाता है, दुबई में सुना जाता है, इंग्लैंड में सुना जाता है, पाकिस्तान में सुना जाता है, तो बस ये अल्लाह का शुक्र है बस यहाँ तक। आपको फर्स्ट टाइम लगा हो, जब होता ना पहली बार इंसान कुछ करता है थोड़ा नर्वस फील करता है, थोड़ा अच्छा और प्राउड भी फील करता है, वो वाले मोमेंट में पूछ रहा हूँ। वो वाला देखिए, वो मैंने 2003-04 में मैंने जब जम्मू अभिनव थिएटर में गाया, ओके, तो मुझे उस टाइम बड़ा अच्छा लगा कि मैंने स्टेट लेवल पे जो अच्छे मजे हुए कलाकार जहाँ पे होते हैं उनके साथ बैठ के, एक वो कॉन्फ्रेंस थी हमारी पहाड़ी कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस में मैंने 3 रोज़ गाया, और एक जुगलबंदी दूरदर्शन की तरफ से प्रोग्राम हुआ था, वो भी 3 दिन का फेस्टिवल था, जुगलबंदी दूरदर्शन डीडी कौशल की तरफ से, यहाँ अभिनव थिएटर में, वो भी 3 दिन का था, उसमें मैंने जब गाया, और SKICC संतूर जो श्री श्रीनगर में है इंटरनेशनल जो सेंटर है, okay, उसमें जब मैंने गाया तो बस मुझे उस टाइम लगा कि अच्छा, फिर करते करते फिर 2007-06 के साथ में मैंने दिल्ली में गाया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल सेंटर में गया, मुझे और अच्छा लगा, फिर बॉम्बे में गया, फिर 2010 के बाद मैंने पाकिस्तान में गाया, तो इस तरह से बहुत अच्छा लगा। सर, जो पहाड़ी कल्चर के लिए आपने काम किया है, एक वो अमर हो जाना, एक वर्ड जो एक वर्ड होता है अमर हो जाना, वो अल्लाह ताला ने आपको उससे नवाजा है, इंशाल्लाह अमर हो गया आपकी आपकी आपका ये लगाव जो रहा है अपने कल्चर के साथ। तो सर, आपका कल्चर जो है ये हमारा पहाड़ी कल्चर है, पाकिस्तान में भी सुना जाता है, यहाँ पे भी सुना जाता है, पाकिस्तान में हमसे ज्यादा सुना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊँ जो हिंदुस्तान की बात करूँ तो यहाँ तो बिल्कुल हर स्टेट की अपनी अपनी एक जबान है, ठीक है, आई थिंक 10% पहाड़ी है यहाँ पे, बाकी हिंदुस्तान की जहाँ तक मैं पूरी कंट्री की बात करूँ तो हर स्टेट की अपनी अपनी जबान है। जी जी, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो यहाँ पे भी 8-10 जबानें बोली जाती हैं, जिनमें पहाड़ी अलग से है, कश्मीरी अलग से, डोगरे, लद्दाखी, गोजरी, कश्मीरी, बहुत सारी लैंग्वेज हैं। तो इसमें जो पहाड़ी जबान है वो 95% पाकिस्तान में बोली जाती है, खास okay. करके वो कश्मीर का जो वो टुकड़ा है जो उनके पास है, पाकिस्तान के पास है, उसमें तो 100% सिर्फ हमारी जबान है, यानी पहाड़ी जबान। तो हमारे चाहने वाले ज्यादा उधर बैठे जी। आपके विजिट रहता है वैसे इंटरनेशनल लेवल में भी जो आप करते हो, जिस तरह पाकिस्तान वगैरह में करते हो आप शोज, तो आपको यहाँ से ज्यादा वहाँ क्यूरियोसिटी और क्रेज मिलता है पब्लिक के अंदर या यहाँ पे? जी, अभी अभी थोड़ी देर पहले किसी भाई ने ऐसे कहा, ये इसी पे बात चली थी जी जी। तो मैंने एक शॉर्टकट एक बात कही थी कि मैंने जी गाया यहाँ पे ज्यादा है और सुना मुझे उन लोगों ने वहाँ पे ज्यादा है जी जी। तो वो लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं और बहुत मतलब क्राउड के साथ, और यानी वो हमें बहुत चाहते हैं, मतलब हमारी हमारा जो कल्चर है इसे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो तारीख है ना, जो जिसमें हमारे कश्मीरें जो बट गई, जो LOC लगी, उसमें हमारे माशरे के लोग ज्यादा उधर फंसे, हम थोड़े से जो इधर फंस गए, हमारे ज्यादा लोग जो हमारे जबान के थे, हमारे कल्चर के थे, वो उस कश्मीर में जी। ओके सर, थोड़ी पर्सनल लाइफ पे आते हैं तो सर, मुसर्रत नाज जी सर, उनकी भी एक मैजिकल वॉइस है, उनकी आवाज में भी जादू है, तो सर ये कॉम्बिनेशन कब जुड़ा और कैसे जुड़ा मैं जानना चाहता हूँ। ये 2001 की बात है जी सर, वही जो उसमें आपको एक कैसेट की कंपनियों के दौर की बात बताई, तो मैं श्रीनगर में एक कैसेट कंपनी में ऑलरेडी उनके पास में पहले से एज ए म्यूजिशियन, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर काम करता था, यानी कोई भी अगर सिंगर वहाँ रिकॉर्डिंग के लिए आते थे तो वो कंपनी वाले मुझे दिखाते थे, क्योंकि वो कश्मीरी स्पीकिंग थे, वो मुझे दिखाते थे, चेक करते थे, आप इनको चेक करो, इसको ऑडिशन, हाँ, तो उनका ऑडिशन मैं करता था, ऑडिशन अगर वो किसी लायक है तो उनकी रिकॉर्डिंग करते थे, नहीं थे तो नहीं। उस हिसाब से ये मुसर्रत नाज जो मेरी वाइफ हैं, ये अपने भाई के साथ और एक दूसरा कोई लड़का वहाँ का उड़ी का एक गाने वाला, तो उनके साथ ही अपनी रिकॉर्डिंग के लिए उस कंपनी में आए थे। तो मैं उस दिन वहाँ पे नहीं था, उन्होंने इनको रिकॉर्ड किया, उनको लगा कि लड़का कमजोर है थोड़ा सा गाने में। तो दूसरे दिन वो मुझे फोन करते हैं, भाई हमारे पास एक फीमेल सिंगर आई है, तो अगर आप इसके साथ गाएं तो ये आपके साथ गा सकती है, मतलब आपकी वॉइस के बराबर की वॉइस लगती मैच, है मैच हो रही है, मैच करती है कि आपके जो गाने भी होते हैं अलग स्टाइल के होते हैं, तो ये आपके साथ अगर एक एल्बम बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं है, हम देख लेते हैं जी। तो फिर दूसरे दिन उन्होंने हमारी मीटिंग करवाई, ओके, हम उस कैसेट कंपनी में हमारी मुलाकात हुई,
तो देन मैंने इन्हें कहा जी आप मेरे गाने गाएंगे या मुझे आपके गाने गाने होंगे। उन्होंने कहा जी आप गाने दीजिए और तैयारी करवाइए, मैं आपके गाने गा लूंगी। तो मेरे गाने थोड़ा सा अलग टाइप के होते थे जो नई जनरेशन, क्योंकि मेरे से पहले जो पहाड़ी कल्चर था उसे बहुत सारे लोगों ने गाया। रशीद कुरैशी साहब ने स्टार्ट किया, इकबाल मनलगामी साहब सारे फ्रिस्त हैं, मास्टर करतार चंद हैं, अब्दुल मजीद जिंदा दिल, मतलब बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, लेकिन कुछ माजज़ सामीन ही उनको सुनते थे। लेकिन जब से मैंने स्टार्ट किया तो मैंने थोड़ा सा इसको जैसे फिल्म में हमेश रेशमिया ने थोड़ा सा चेंज किया, उसके बाद चेंज ही हो गया। तो उस तरह से थोड़ा सा मैंने इसे चेंज किया, मॉडिफिकेशन, ऐसी मॉडिफिकेशन लाई, म्यूजिक को थोड़ा सा डिजिटल में लेके आए और शायरी थोड़ा सा उस हिसाब की जो नई जनरेशन है, जो यंग मैन हैं, लड़के लड़कियां, वो भी पहाड़ी गाने सुनने लगे, उनको भी इस चीज़ का मजा आने लगा, क्योंकि हमने वो टेस्ट उनको दिया। तो उस तरह से फिर मेरे गाने उस तरह से होते थे। तो फिर हम दोनों ने तैयारी की और दो तीन दिन में तैयारी करके हमने एल्बम स्टार्ट किए, वहाँ से मेरी मुलाकात हुई है और ऐसे मिले कि अभी तक हम साथ